कोरोना काल के बीच आज PTET की परीक्षाएं हुई। चुरू जिला मुख्यालय पर राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आज PTET की परीक्षा हो रही है। लोहिया महाविद्यालय में जब पहले सत्र में छात्रों ने प्रवेश किया तो सभी की थर्मल जांच की गई। इसके बाद सभी के हाथ सैनिटाइज करवाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की गई। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप सिंह पुनिया ने बताया कि सभी नियमों की पूर्णतया पालना की जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से पहले सत्र में 400 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं तथा दूसरे सत्र में 500 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं आज बहुत दिनों के बाद लोहिया महाविद्यालय में छात्रों की चहलकदमी देखने को मिली। छात्र उत्साहपूर्वक परीक्षा देते हुए नजर आए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना के बाद से ही शिक्षा जगत में ठहराव आ गया है। वहीं आज परीक्षा देते समय छात्रों में भारी उत्साह नजर आया। कोरोना के चलते यह एग्ज़ाम काफ़ी अहम है। आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में PTET 2020 की परीक्षा प्रातःकालीन सत्र में अब 9 से 12 बजे के लिए प्रारंभ हो रही है, जिसमें सीनियर पास स्टूडेंट्स 4 ईयर BSc BEd BA BEd कोर्सेस के लिए यहाँ एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं। पूर्णतया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धुलाना, सैनिटाइजेशन करना, सारे SOPs को ध्यान में रखते हुए इन छात्रों को प्रवेश दिलाया गया है। 12 बजे तक परीक्षा संपन्न होगी। दूसरे बैच में शाम को 3 से 6 बजे तक ये BEd कोर्स के लिए भी यहाँ सेकेंड टर्म में एग्ज़ाम यहाँ संपन्न हो गया। टोटल कितने विद्यार्थी? टोटल अब प्रातःकालीन सत्र में 403 विद्यार्थी टोटल रजिस्टर्ड हैं। अभी इनको पेपर 9 बजे शुरू होगा, 20 मिनट तक लेट तक एंट्री अलाउ है। इसके बाद अनुपस्थिति का पता चलेगा कुल कितने छात्र उपस्थित हुए। शाम के सत्र में 501 विद्यार्थी कुल इसमें BEd के लिए या रजिस्टर्ड है। दिलीप पुनिया।